अश्लील वेबसाइट्स की वजह से देश का युवा इंसान से वापस जानवर बन रहा है, सेक्स का भूखा हो रहा है, एक ऐसी भूख जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। हस्त मैथुन एडिक्शन में तब्दील हो चुका है। क्या लड़की और क्या लड़की, सब एडिक्टेड। क्या शादीशुदा, क्या बैचलर, इन लुभावने वीडियोस को देखने के लिए हर नौजवान बेचैन रहता है, जैसे एक डॉग और एक बिच होते हैं सर्दियों में। जानवरों की तरह कामुक हो गया है देश का युवा। पार्टनर मिला तो ठीक, नहीं तो खुद ही शुरू। आलम यह है कि सुबह जब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, दफ्तर जाता है देश का युवा, तो उसे पूरे कपड़ों में भी नारी नंगी ही दिखती है। लड़कियों को लड़कों का शरीर सॉफ्ट हो देखने में आनंद आता है। नतीजा, दिन भर में जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनमें काम भावना और सेक्सुअल अट्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल बन जाता है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस भी होते हैं, शायद जिन पर आपकी आजीविका भी निर्भर हो सकती है। जैसे बॉस का जॉब के लिए इंटरव्यू लेना हो, जैसे कॉलेज में प्रोफेसर का किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के प्रति ज्यादा ध्यान देना हो, या स्कूलों में उन बेंचेस का चयन जहां से प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को ठीक से देख सकें, इशारे कर सकें, फिर भले ही विद्या देने वाला ब्लैक बोर्ड दिखे या ना दिखे, चलेगा। पर सेक्स के प्रति समाज में उन्माद के लिए केवल अश्लील वीडियोस ही दोषी नहीं, इसमें दोष आपका है। पर यह मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जवान लड़कों और लड़कियों को समझना होगा कि ये हमारे जीन्स में है, लगातार संभोग करना और अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते रहना, ताकि हमारी प्रजाति हमेशा जिंदा रहे। ये सेक्स ड्राइव हमारे डीएनए में ही कोडेड है, जो हमारे सेक्स के प्रति अट्रैक्शन को एक खास उम्र में काफी प्रभावित करती है। इसे हम जेनेटिकली ऑटोमेटेड सेक्स ड्राइव भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, ऑटोमेटेड यानी स्वचालित होता है। ये ऑटोमेटेड सेक्सुअल ड्राइव ही है जो हर जानवर को जानवर बनाती है। सेक्स ड्राइव जिसमें कुछ मिनटों का आनंद आता है, जो निचले स्तर का क्षणिक आनंद होता है, ऐसा सेक्सुअल आनंद जिसकी भूख कभी पूरी हो ही नहीं सकती, बल्कि इसे दबाना पड़ता है, क्योंकि हम प्रोग्राम्ड हैं जेनेटिकली अपनी प्रजाति का विस्तार करने के लिए। समझिए इस बात को आप सब। पृथ्वी पर 84 लाख से कहीं गुना ज्यादा प्रजातियां हैं, लेकिन क्यों सिर्फ मानव ही इंसान बन सका? क्यों मानव जाति ही पृथ्वी की अग्रणी प्रजाति बन सकी? क्योंकि इंसान ने अपनी इंद्रियों पर, खासकर अपनी जनन इंद्रियों पर कंट्रोल पा लिया। आप जानते ही हैं कि जानवरों का कोई फिक्स सेक्सुअल पार्टनर तो होता नहीं, लेकिन हम इंसानों ने समाज बनाए हैं। इस समाज की कुछ परंपराएं हैं जिसकी वजह से हमारे पार्टनर्स फिक्स होते हैं। इस जेनेटिकली ऑटोमेटेड सेक्स ड्राइव पर ऋषि मुनियों, सूफी संतों, पीर फकीरों, महात्माओं और धर्मगुरुओं ने विजय पाली थी। तभी उन्हें सदियों और सहस्त्राब्दियों बाद भी याद किया जाता है, क्योंकि वे अपने आप को जानवर से इंसान बनाने में कामयाब हो गए थे। दोस्तों, ये जेनेटिकली ऑटोमेटेड सेक्स ड्राइव, ध्यान दीजिए, ऑटोमेटेड स्वचालित सेक्स ड्राइव हम युवाओं को जानवर बनाने पर तुली हुई है। 99% विद्यार्थी अपने जीवन का बहुमूल्य समय अपनी प्रेमिका के साथ डेट पे जाने, उसे छूने, उसे चूमने, उसके साथ संभोग करने या मात्र संभोग का विचार कर हस्त मैथुन करने में लगा देते हैं। यही बात लड़कियों पर भी लागू होती है। दिन का एक बड़ा हिस्सा केवल अपने आप को मेंटेन करने में चला जाता है। लड़कियों और लड़कियों में केवल एक ही क्रेज हो गया है, कैसे अच्छे दिखें, कैसे अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करें और संबंध बनाएं। ये मानसिक पशुता या एनिमल इंस्टिंक्ट नहीं तो और क्या है? उस पर से ये अश्लील वीडियोस जो वर्चुअल सेक्स देते हैं मानसिक स्तर पर, बिना फिजिकल हुए, सिर्फ मैथुन। पोस्ट सन 2000 जन्मे बच्चे जिन्हें हम मिलेनियल्स कहते हैं, अगर ऐसा करते रहे तो एक न एक दिन अपनी संतान पैदा करने की क्षमता खो ही देंगे। दोस्तों, क्या हम सब जानवर नहीं बन गए? क्या हम अपनी सेक्सुअल ड्राइव के गुलाम नहीं हैं? क्या केवल एक पशु की तरह संभोग करने में ही मजा है, इंसान बनने में नहीं? गौर से देखिए, हो सकता है शायद आपको इस जेनेटिकली ऑटोमेटेड सेक्स ड्राइव से निजात मिल जाए, शायद आपके मन की आंखें खुल जाएं। तो ध्यान से देखिए, सेक्स और मैस्टरबेशन का आनंद चंद मिनटों तक होता है, पर याद कीजिए वह पल, वह लम्हा जब आपने परीक्षा में अच्छे अंक पाए थे, कितना अच्छा फील हुआ था। याद कीजिए जब आपने वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किया था, तो आपको कितना सेटिस्फाइड फील हुआ था। याद कीजिए जब आपका जॉब के लिए सिलेक्शन हुआ था, या जब आपको प्रमोशन मिली थी, वो स्थिति कितनी आनंददायक थी और सेटिस्फैक्ट्री थी, बनिस्पत कुछ मिनटों या घंटों के सेक्स से, जिसके बाद आपको ग्लानी हुई थी, जिसके बाद आपको मन ही मन कुछ गलत करने का एहसास हुआ था, इतना बुरा लगने लगा था जैसे पाप किया हो, पकड़े जाने के डर से आपका वीर्य जल्दी स्खलित होने लगा था, शायद आप शीघ्र पतन के शिकार होने लगे थे। आपको लगता नहीं कि सेक्सुअल ड्राइव के इस एजैकुलेशन फेस के प्रति आपकी चाह आपके शरीर को खोखला कर दे रही है, आपके मानस पटल से आपके बचपन का गोल, आपके लक्ष्य का नाम और निशान मिटा दे रही है? सोचिए, अपना वीर निकालना ज्यादा आनंददायक है, या धन कमाकर अपने माता पिता, अपने अपनों को कुछ गिफ्ट करने की खुशी का एहसास करना? जरा सोचिए मेरे भाइयों और बहनों,
छुप छुप कर अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को मैसेज करना मजेदार है या अपने बचपन के सपने को साकार होते देखना। आप खुद सोचिए, जब आप छोटे थे, इनोसेंट थे, तब आप सेक्सुअली मैच्योर नहीं थे, तब आपके सपने कैसे थे? हवा में पायलट बन उड़ना, फौजी बनना, देश के दुश्मनों को मार भगाना, डॉक्टर बन सबको ठीक कर देना, और सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद सिक्स पैक्स बनाना, वह भी सिर्फ इसलिए कि ज्यादा लड़कियां आकर्षित हों, ना कि फिटनेस के लिए। लड़कियों का फिगर मेंटेन करना ताकि लड़के आकर्षित हों। प्रेम रोग हो जाए तो जीवन का एकमात्र लक्ष्य लव मैरिज। ये जीवन के लक्ष्य इतने विभत्स रूप से बदल क्यों गए, कभी सोचा है आपने? कैसे आप अपने माता पिता के राजकुमार से स्टड और हंक बन गए, कभी सोचा है आपने? ये जेनेटिकली ऑटोमेटेड सेक्स ड्राइव आपको इंसान से वापस जानवर बना रही है। दोस्तों, आप जानते हैं माँ की खुशी आपके लिए ज्यादा मायने रखती है, पर फिर भी आप हर काम गर्लफ्रेंड का अटेंशन पाने की चाह में करने लगते हैं। आप जानते हैं वर्क पे फोकस करने से आप अपने लक्ष्य को पालेंगे, पर फिर भी आप चंद मिनटों के आनंद के लिए घंटों गर्लफ्रेंड से और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लगा देते हैं, गंवा देते हैं। क्या असल मीनिंग ऑफ लाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ केवल सेक्स करना है? क्या आपके जीवन का सपना सिर्फ आपके प्राइवेट पार्ट्स को सेटिस्फाई करना है? क्या अपने वीर को टॉयलेट में बहाना ज्यादा आनंददायक है एक सक्सेसफुल आदमी बनने से? क्या अपने माता पिता की खुशियों से ज्यादा जरूरी है प्रेमी प्रेमिका की खुशी, या ये सिर्फ एक भ्रम है जो आपकी जेनेटिकली ऑटोमेटेड सेक्स ड्राइव आपसे करवाती है और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते? एक बार आप इस क्षणिक आनंद को त्याग देंगे ना, तो आप अपने जीवन के मूल को पालेंगे, अपने जीवन के लक्ष्य को पालेंगे, अपने जीवन के अर्थ को समझ जाएंगे। प्लीज 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 सही चुनाव करें, लड़की या लक्ष्य, प्रेमी प्रेमिका या लक्ष्य। आप जितना वक्त इन सतही रिश्तों को निभाने में देते हैं, जिसके लिए आपका ब्रेन वायर्ड है, जिसके लिए आपके जीन्स प्रोग्राम्ड है, तो आप में और जानवरों में अंतर ही क्या रह जाएगा? और तब शायद आपको जानवरों की ही जिंदगी मिलेगी, इंसानों की नहीं। अगर एक बार आपने तय कर लिया कि मुझे इस क्षणिक टेम्पररी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन की जगह परमानेंट लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन और रेस्पेक्ट गेन करनी है, तो आप इंसानों में वापस शामिल हो जाएंगे और आपका ब्रेन अपने आप को रीवायर करना शुरू कर देगा। ये ऑटोमेटेड सेक्सुअल ड्राइव फिर आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, बल्कि इसकी जगह बेहतर ड्राइव्स ले लेंगे, जैसे ड्राइव फॉर सक्सेस, ड्राइव टू अचीव गोल्स, ड्राइव टू डिलीवर। और उसके बाद मेरे दोस्तों, आपको भी स्पिरिचुअल लेवल के आनंद का पता चल जाएगा, जो उन ऋषि मुनि, उन पीर फकीर, उन संत महात्माओं को पता चल गया था, और इसी वजह से उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उनके नाम, उनके कर्म आज भी जीवित हैं। लोग सदियों सहस्त्राब्दियों बाद भी आज उनको याद करते हैं। बस एक बार आपको अपने इस ऑटोमेटेड सेक्स ड्राइव से आजादी प्राप्त करनी है, और उसके बाद देश आपकी मुट्ठी में होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से एक रिपोर्टर ने पूछा एक बार कि आपने शादी क्यों नहीं की? उन्होंने ये जवाब दिया, मैं अपने काम में इतना बिजी था यार कि भूल गया।